उधर जीएसटी डे पर गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित अप्रैल हाउस में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। डिप्टी सीएम ने इस दौरान मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत टैक्स देने वालों को इनाम देने की घोषणा भी की है। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम प्रदेश को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है। हर कोई टैक्स का भुगतान जरूर करे और अपने सामान का बिल अवश्य ले। इस बिल को विभाग को भेजे, जिसके बाद सरकार अब टैक्स भरने वालों को इनाम देगी। इसके लिए 30 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत लोगों को ये 30 करोड़ रुपए के इनाम बांटे जाएंगे। ये बात प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कही है। वे आज जीएसटी दिवस पर गुरुग्राम के अप्रैल हाउस में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टैक्स चोरी करने वालों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है, जिसके तहत पिछले दिनों 2700 कंपनियों को पकड़ा गया है। 6 सालों के अंदर देश 64,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ पहुंचा और उसके साथ साथ हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो स्ट्रीमलाइन हुआ और दिन प्रतिदिन काउंसिल के सभी मेंबरों के व्यू पॉइंट से बहुत सी ऐसी सुविधाएं हम हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी दे पाए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से कि वो फ्लरिश करें। टैक्स पेयर को भी लाभ मिला है और आज मुझे खुशी होती है ये अनाउंस करते हुए कि अब मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की हम शुरुआत करेंगे, जहाँ जो उपभोक्ता है कस्टमर है वो जो टैक्स भरकर अपनी रसीद को सरकार तक पहुँचाएगा तो 30 करोड़ का एक सालाना कॉर्पस यूनियन और 5 स्टेट्स जिसमें हरियाणा प्राथमिक है हमने बनाया है कि हम हमारे टैक्स पेयर्स को ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से 30 करोड़ का लॉटरी कह लीजिए या टैक्स भरने का रिवॉर्ड कह लीजिए उनको वापस देने का काम कर। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा जैसा छोटा प्रदेश सबसे ज्यादा टैक्स देता है, यही कारण है कि देश 6 वर्षों में 64,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। इसके साथ ही प्रदेश का टैक्स स्ट्रक्चर भी स्ट्रीमलाइन हुआ है, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भी प्रगति की राह पर अग्रसर है। टोटल टीवी के लिए गुरुग्राम से संवाददाता करण जयसिंह की रिपोर्ट।